बिना एक पल खोए अमेठी की सेवा की, और जितना मैंने अमेठी को जाना है, सेवा की, निष्ठा की और समर्पण के भावना की, अमेठी में सम्मान है, इसी सम्मान को मुझे देने के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट अमेठी उत्तर प्रदेश की वो वीवीआईपी सीट है जिस पर पूरे भारत की नजर है। 2019 में स्मृति ईरानी की अमेठी में जीत कोई आम जीत नहीं थी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस परिवार की आन बान और शान रही अमेठी सीट छीनी थी, और ऐसा उन्होंने ओपन चैलेंज देकर किया था। उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई, और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। साल 2014 में पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी। उस वक्त स्मृति राहुल से 1 लाख वोटों के अंतर से हार गई थी, लेकिन स्मृति ने हार नहीं मानी और वो अमेठी की जनता के बीच ही रही। नतीजा, 5 साल बाद 2019 में स्मृति ने राहुल को 55,000 वोटों के अंतर से हराया था। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा भी नहीं थी, तब स्मृति ईरानी वायनाड जाकर राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी। 50 साल लोगों को लगा अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं जीत सकता, हम जीते, और ऐसा जीते कि विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्र में हमने कांग्रेस को मात दी, और 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जब्त करा दी। इसलिए आज वायनाड के कार्यकर्ता से कहने आई हूँ कि असंभव को संभव बना सकता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। राहुल के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन करने स्मृति पहुंची थी। दरअसल स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ बीजेपी में विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। अगर 5 साल में ये सब काम मैं कर पाई तो 15 साल राहुल जी क्यों नहीं किए। 1967 से ही अमेठी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रही है। 1984 में राजीव गांधी और मेनका गांधी के बीच चुनावी टक्कर हुई थी जिसमें राजीव गांधी जीते थे। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेठी से ही जीतते रहे हैं। बीजेपी बार बार देश के सामने अमेठी में राहुल गांधी की हार का मुद्दा ये साबित करने के लिए उठाती है कि कैसे गांधी परिवार के गढ़ में ही कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अमेठी बीजेपी के लिए कांग्रेस के खिलाफ जीत के सिंबल की तरह है, और उसी की मिसाल है ये तस्वीर जब इसी साल स्मृति ईरानी ने वहाँ अपने नए घर में गृह प्रवेश की पूजा की थी। हार के 2.5 साल बाद दिसंबर 2021 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी गए, और फिर 2 साल बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए राहुल अमेठी गए थे। अमेठी के लोग आए, इन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई, तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहाँ अमेठी में हाजिर हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा राजनीतिक हालात और जमीनी हकीकत को देखते हुए स्मृति ईरानी मजबूत दिखाई दे रही हैं, लेकिन अमेठी की आम जनता की इस बारे में क्या राय है, उन्हें कौन मजबूत लगता है, जरा ये भी जान लेते हैं। बार राहुल गांधी का पूरा माहौल है अमेठी में, राहुल गांधी ही जीतेंगे, स्मृति ईरानी कहीं टक्कर वक्कर में है नहीं। इस बार क्या, बार बार जितने आम चुनाव होंगे उतनी बार भाजपा से कोई भी कैंडिडेट आएगा, और इस बार अगर स्मृति ईरानी जी हैं
तो जीतेंगे। मेरी पहली पसंद राहुल गांधी जी हैं और अमेठी का विकास जो है राहुल गांधी जी को ही हाथों है। स्मृति ईरानी, क्योंकि वो साल में 2500 बार आती हैं, सबका सुख दुख देखती हैं, पहुँचती हैं और ये जीत के चले जाते हैं। तो 5 साल में एक आध बार कहीं कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो दिखाई नहीं देते। अमेठी से राहुल गांधी, कि उनका जो घोषणा पत्र है वास्तव में वो धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विकास दिख रहा है, इसलिए स्मृति ईरानी को सभी लाइक कर रहे हैं।